हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। और दोपहर का टाइम हो गया है, अब तो लंच टाइम होने वाला है। और मैं भी देखिए सारा काम कर चुकी हूँ, लगभग सारा कंप्लीट है। और इसमें बज रहे हैं 1:20 हो रहे हैं, काम हो चुका है, बस थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। और लगभग सारा ही काम मेरे घर मैंने निपटा लिया है, नहा भी चुकी हूँ और बस वेट कर रही हूँ कि सब लोग आएँ और सब लोग बैठ कर के एक साथ लंच करें। बस सुबह का सुबह से यही रूटीन होता है। और आप सबका भी मेरे हिसाब से, हर एक लेडीज़ का, हर एक हाउसवाइफ का ये रूटीन होता है। आज मैंने जो है कुछ बालकनी में चेंजेस किए हैं, जिसमें मैंने कुछ देख सकते हैं कि ये कमरों में चेंजेस किए हैं मैंने। यहाँ पर सब ब्लैक कलर के गमले लगाए हैं, देख सकते हैं। मैंने इसमें से ब्लैक कलर के सेट किया है पूरा, और थोड़े से चेंजेस यहाँ भी किए हैं मैंने। यहाँ पर मनी प्लांट्स का कुछ डेकोरेशन किया है और साथ में किया है, ये सारी चीज़ें की हैं। बाकी तो मेरी बेटी का रूम वैसे ही है, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं है। तो लंच करते हैं, और अभी बेटी का वेट कर रही हूँ क्योंकि अविष्का जो है अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, तो आ जाएगी तो हम साथ लंच करेंगे। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और थोड़ा सा मेरा दूध पीने का मन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती हूँ और पी लेती हूँ, तो थोड़ा दूध पीऊँगी। बाकी सारा काम हो ही चुका है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आज मैंने सुबह जो है वो मेथी की जो है वो बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि मेथी की पूड़ियाँ चाय के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह ब्रेकफास्ट में जो है हल्के नाश्ते के बाद जो है हम चाय के साथ कुछ पूड़ियाँ खा लेते हैं, और पूड़ियाँ टेस्टी लगती हैं और इजली बन भी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी वही बना लेते हैं, अभिष्का भी वो पसंद है, इनके पापा को भी पसंद है। तो मैंने जो है पूड़ियाँ तल ली हैं और फिर चाय भी बना ली है साथ ही साथ, और हमने बैठ करके फिर चाय और पूड़ियाँ हमारी फैमिली ने खाई है। तो कभी कभी मैं बनाती हूँ, वैसे तो कोशिश करते हैं कि ऑयली थोड़ा कम करें, पर फिर भी जो है पूड़ियों का मज़ा ही है। विंटर्स में तो हम थोड़ा सा ऑयल खा ही सकते हैं, तो विंटर्स में मैंने जो है सुबह ही सोच रखा था कि पूड़ियाँ बनाऊँगी, और मैंने उनको तल लिया है। और उसके बाद फिर मैं जो है सारा काम करने के बाद ही फिर लंच के लिए सोचूंगी। आज लंच में वैसे सोचा है मैंने कुछ कि जो है वो शाही पनीर बनाने का, तो लंच में मैंने शाही पनीर बना लिया है। और क्योंकि अविष्का ने भी कई दिन से कहा था कि मम्मी अब कुछ दिन पनीर का बना लीजिए, तो हो गया है, 4-5 दिन पहले बनाया था मैंने। तो मैंने कहा लाओ फिर से शाही पनीर बना लेती हूँ, और बगल में चावल भी चढ़ा दिया है मैंने, तो पनीर भी रेडी हो गया है और चावल भी रेडी हो गया है। रोटियाँ मैंने पहले से बना ली थी, तो खाने की तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए मेरा शाही पनीर बन के रेडी हो गया है, साथ में जो मैंने घर में मिर्ची का अचार बनाया था वो भी यहाँ पर है, रोटियाँ भी तैयार हैं, बस खाने की देर है। अब लंच टाइम हमारा फिनिश हो गया है, तो हमने सोचा है कि लाओ लूडो खेल लेते हैं, जो हमारे बचपन का फेवरेट गेम, मेरा भी है, सभी का होता है। तो अविष्का ने लूडो स्टार्ट कर दिया है। कल अविष्का जीत गई थी, मम्मी पापा और अब जब हम खेल रहे थे तो अविष्का विनर थी, पर आज देखते हैं आज अब मम्मा और अविष्का में है तो कौन जीतता है। तो हमने गेम स्टार्ट कर दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा 6 अगर आ जाता तो बेटर था। देखते हैं, छुकाली छुकाली मैं कर रही हूँ और आता है कि नहीं आता है। ओह माय बैड लक, मेरा नहीं आया। और अविष्का ट्राई कर रही है, और अविष्का का वैसे बहुत जल्दी 6 आता है, थोड़ा सा लकी चाम है उसका, और वो फटाफट कर रही है। और थोड़ी मुझे पता है वो जल्दी उसका आ जाएगा, ली दिखिए आ गया। और मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, पर मेरा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा कभी जल्दी 6 नहीं आता है। और अविष्का आगे बढ़ने लग गई है, पर मेरा तो बैड लक हो गया है, मैं बहुत बार ट्राई कर रही हूँ पर मेरा तो चांस ही नहीं है कि मिल जाए। देखते हैं गेम में, क्योंकि गेम खेलना है और उसके बाद चाय भी बनानी है मुझे, क्योंकि शाम होने वाली है, शाम लगभग हो ही चुकी है। तो लीजिए
अविष्का आगे बढ़ती जा रही है, पर मेरा 6 नहीं आया है और मेरा बैड लक होता जा रहा है। अब मैं तो वैसे खुल गया है और हम देख रहे हैं, और लास्ट मिनट में अविष्का जीत गई है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।